हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटर का थर्ड पार्ट है, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, फुल एक्सप्लेन करके हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम के साथ बताएंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है that are used to make a decision or a selection of a program based on the logical values of either true or false are called as logical operators। यानी जो हमारे logical operators होते हैं, किसी भी value का, यदि आपको decision लेना है, selection लेना है किसी भी program में value का, तो उसके लिए हम किसका use करते हैं, logical operator का use करते हैं। logical operator क्या करता है, ये लॉजिकल वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, यानी या तो वो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसी आपकी कंडीशन होंगी, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, टू वैल्यूज़ या थ्री वैल्यूज़, यानी एक वैल्यू से अधिक वैल्यू के बीच में आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, उसका जो लॉजिकल आंसर रिटर्न करता है वो ट्रू या फॉल्स के रूप में रिटर्न करता है। ट्रू रिटर्न करेगा तो हमें आउटपुट में वन मिलेगा, वन वैल्यू रिटर्न मिलेगी। अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो हमें जीरो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। तो ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, और इसे हम द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड बुलियन ऑपरेटर्स। यानी जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इसे हम बुलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। बुलियन ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बुलियन होता है वो उसमें क्या होते हैं, टू डिजिट्स होते हैं, एक जीरो एक वन, यानी या तो ट्रू होगी वैल्यू या तो फॉल्स होगी। तो इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट जो होता है लॉजिकल एंड होता है, जिसे डबल एंड के सिंबल से, यानी एस के जैसे जो एंड का सिंबल होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेकेंड होता है वो लॉजिकल और होता है, लॉजिकल और को जिसका सिंबल ऐसे होता है लाइन के इक्वल। और जो लॉजिकल नॉट होता है, ये नॉट ऑपरेटर के जैसे होता है, इसे हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब इसे हम देखते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे, जो कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे लॉजिकल एंड का जो सिंटैक्स होता है वो इस प्रकार से होता है। पहले इसमें एक्सप्रेशन वन होता है, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है, उसके बाद एक्सप्रेशन टू होता है। यानी कि अगर आप टू वैल्यू में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको दो एक्सप्रेशन की आवश्यकता होगी। एक्सप्रेशन यहाँ पर जो हमेशा लिखा जाता है ये ब्रेकेट के, यानी पैरेंथिसिस के अंदर ही लिखा जाएगा, उसके बाद एंड का सिंबल यूज किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे पैरेंथिसिस के अंदर। अब देखते हैं हम कि जो इसकी ट्रुथ टेबल होती है वो कैसी होती है। यदि आपको सिचुएशन दे दी गई है टू वैल्यू को, आपको रिजल्ट उसका प्रिंट करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, यदि जो आपका एक्सप्रेशन वन है वो ट्रू होता है और एंड ऑपरेटर का आप यूज़ करेंगे, और जो एक्सप्रेशन सेकंड है ये भी ट्रू होता है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। यानी कि जो आपको वैल्यू रिटर्न में मिलेगी वो क्या मिलेगी, वन मिलेगी। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है, यानी कि जो सिचुएशन है वो ट्रू होती है फर्स्ट, और जो एक्सप्रेशन सेकेंड है वो फॉल्स हो जाती है, तो आपको रिजल्ट प्रिंट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्योंकि एंड का मतलब, यानी कि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू रहेगी तभी तक हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाता है और सेकंड क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो अगर वहां पर एंड ऑपरेटर आपने यूज किया है तो वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, हमें जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट होते हैं इसके, यानी फोर्थ इसके क्या हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर फोर्थ, अगर कंडीशन आपकी क्या है, फर्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होता है और सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो भी फॉल्स हो जाता है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, यानी जीरो ही मिलेगा। ट्रू का मतलब वन हो जाएगा और फॉल्स का मतलब जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो यदि इससे ये निकलता है, क्योंकि अगर यहाँ पर लॉजिकल एंड जो हमारा ऑपरेटर है इसमें
अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है तभी हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू मिलेगा, नहीं तो जितनी भी कंडीशन होंगी और तीनों कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर फॉल्स मिलेगा। जब तक हमारी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, यानी दोनों एक्सप्रेशन जो हैं सिचुएशन वो ट्रू नहीं होंगी, तब तक हमें आंसर ट्रू नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारी एक भी सिचुएशन फॉल्स हो जाती है हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए ए इक्वल वैल्यू दे दी गई है 4 और बी इक्वल वैल्यू दी गई है 5 एंड सी इक्वल दी गई है 6। और यहाँ पर हम किसका रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन देखना है, यानी डिसीजन लेना है 3 इन 3 वैल्यू के बीच में कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर चेक करना होगा हमें कंडीशन क्या दी गई है, क्या ए लेस देन बी के है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, और क्या दे दिया गया है एंड करके, और एक सेकंड कंडीशन दे दी गई है, क्या बी लेस देन सी के है। ये हमें क्या दे दी गई है, कंडीशन दे दी गई है बी लेस देन सी के है। तो यहाँ पर क्या चेक करना होगा, अब हम अगर इसे चेक करते हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यानी ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया गया है, ये एक्सप्रेशन 1 होगा और ये एक्सप्रेशन 2 होगा, और ये क्या होगा, हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 क्या है, यहाँ पर ए लेस देन बी है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 4 है, लेस देन बी की वैल्यू क्या है 5 है, क्या 4 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, यानी कि यहाँ पर जो 4 लेस देन 5, यानी कि जो 4 है क्या ये 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई यहाँ पर। उसके बाद एंड ऑपरेटर है, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, क्या बी लेस देन सी के है, यानी क्या जो बी की वैल्यू है वो सी से छोटी है, तो यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू 5 है और लेस देन यहाँ पर ऑपरेटर यूज किया गया है। उसके बाद किसके, सी के, यानी सी की वैल्यू क्या है 6 है, तो 5 क्या है, सी 6 से छोटा है, तो इसलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पर ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 5 6 से छोटा है और यहाँ पर 4 5 से छोटा है, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन, यानी जो दोनों एक्सप्रेशन हमारे क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो हमें जो रिजल्ट प्रिंट में मिलेगा, और यहाँ पर हमारा ऑपरेटर क्या यूज हुआ है, एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, तो हमें जो लॉजिकल आंसर रिटर्न में मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, यदि आपकी दोनों सिचुएशन ट्रू होती है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर यहाँ पर हम एक भी कंडीशन फॉल्स कर देते हैं तो हमें क्या आंसर रिटर्न में मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी एंड ऑपरेटर में, तब तक हमें वैल्यू ट्रू रिटर्न में नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ट्रू का मतलब आपको जो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी वो 1 मिलेगी, यानी कि सी प्रोग्राम में जब आप इसे प्रोग्राम करके देखेंगे तो आपको वैल्यू रिटर्न में 1 मिलेगी। अब इसे हम सबसे पहले प्रोग्राम करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा एंड ऑपरेटर वर्क करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने कोड एडिटर पर आते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वैल्यू को क्या कर लेंगे, 3 वेरिएबल बनाएंगे और उसमें वैल्यू को डिक्लेयर कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी 4 थी, और b इक्वल मैंने b नेम का वेरिएबल बना के जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, 5 कर दी, और c नेम का वेरिएबल बना के इसकी वैल्यू मैंने 6 कर दी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक क्या करना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी कि क्या एक a लेस देन b के है और क्या b लेस देन c के है, ये कंडीशन हमें चेक करनी है, यानी मल्टीपल 2 कंडीशन दी गई है जिसे हमें चेक करना है। अगर वो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो हमें आंसर क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। और हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। तो हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे सबसे पहले, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर दे दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, परसेंट डी, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट कराना है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ से चेक क्या करना है, जो हमारी कंडीशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, हमारी जो कंडीशन दी गई है वो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, क्या जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, ए लेस देन, क्या ए लेस देन बी के है, यानी कि ए जो है वो लेस देन बी के है, फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन ये दे दिया गया। सबसे पहले यहाँ से चेक करेगा क्या जो ए की वैल्यू है वो बी से क्या है, छोटी है, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पर ट्रू है। उसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे,
डबल बार। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, सेकेंड कंडीशन हमें चेक करनी है, इसकी दोनों की कंपैरिजन यहाँ पर हो गई। अब इन दोनों की कंपैरिजन हमें करनी है, क्या जो V की वैल्यू है वो C से क्या है, छोटी है, तो यहाँ पर V लेस देन C के है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो हमें क्या आंसर रिटर्न में मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हमें आंसर क्या रिटर्न में मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। तो अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करके कंट्रोल एस करके उसके बाद कंपाइल एंड रन करते हैं F11 से। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया वैसे ही हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो आउटपुट मिलता है क्या वो वन मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का हमने यूज किया था, जो कि क्या करता है, हमें वैल्यू चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन हमारी क्या होती, यानी दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू होते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, प्रिंट में वन मिलेगी। यानी कि यहाँ पर हमारी वैल्यू जो थी, ए बी से छोटा है और जो बी है वो भी सी से छोटा है, तो इसलिए हमारी कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। और हमें आंसर यानी लॉजिकल जो रिटर्न में आंसर देगा वो जीरो एंड वन के फॉर्म में देगा, तो ट्रू होगी, तो हमारा आंसर वन यहाँ पर क्या हुआ है, प्रिंट में मिल गया है। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, जैसे ही मैंने कर दिया क्या b ग्रेटर देन c के है, यानी जो b की वैल्यू है क्या वो c से बड़ी है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही हम रन करेंगे अपने प्रोग्राम को वैसे ही क्या मिलेगा, हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, एक कंडीशन फॉल्स हो गई और एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस प्रकार से हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में किसी भी वैल्यू की कंपेरिजन करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने यूज किया यहाँ पर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिकल और ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।